वजीरपुर थाना क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग दो पेट्रोल पंपों पर हुई लूट और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 2 अप्रैल को रात्रि में तीन बदमाशों ने श्याम कृपा फिलिंग स्टेशन शहरौली पर करीब 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात करते हुए पेट्रोल पंप कर्मियों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वहीं 9 अप्रैल को एक बार फिर आरोपियों ने श्रीराम फिलिंग स्टेशन वजीरपुर पर फायरिंग कर नकदी लूट का प्रयास किया। पेट्रोल पंप कर्मियों के विरोध करने पर एक कर्मचारी के पेट पर गोली मारी, वहीं दूसरे कर्मचारियों को बंदूक की बट से सिर में चोट मार गंभीर घायल कर दिया गया था। घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने गंभीरता दिखाते हुए अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिए हैं। फिलहाल वारदात का मुख्य आरोपी रूप सिंह और रूपा की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। गंगापुर से सलीम खान की रिपोर्ट। पिछले 7 दिन में पेट्रोल पंप पे फायरिंग करके कैश को लूटने की वारदातें हुई है। दिनांक 2 तारीख की रात को कोरोली गांव में श्याम कृपा फिलिंग स्टेशन पे हथियारबंद लोग आए, 3 व्यक्ति, और आकर के वहां पे डराने के लिए फायरिंग की। फायरिंग करने के पश्चात वहां से करीब 2.5 लाख रुपए का कैश वो लूट करके ले गए थे। घटना की नियंत्रणता में ही दिनांक 9 तारीख को रात को इन्हीं लोगों ने पुनः वारदात की यहाँ पे वजीरपुर के अंदर, और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे इनका जो कैश रखा होता और कैश लोग थे उनको लूटने का प्रयास किया, और उस प्रयास में उन्होंने जब रोका तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 व्यक्ति मजरूह हुए थे। दोनों घटनाएँ बिल्कुल बहुत ही ऐसी घटनाएँ थी जिसने पुलिस को चिंतित कर दिया। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से इन घटनाओं को लिया। एसपी साहब ने खुद यहाँ पे थाने पे रहकर के मॉनिटरिंग की पूरी, और जो भी आसपास के बदमाश है पूर्व में चालान शुदा है जिन लोगों ने ये वारदात की थी उनको पकड़ने के लिए सारी टीमें अलग अलग गठित की, और उस प्रयास में जो मुख्य रूप से जो 3 लोग हैं जिनका ये खुलासा हो पाया है कि 3 लोग इस वारदात में थे।